लास्ट ईयर बैलेट के अंदर मुझे प्लॉट नंबर इशू हो गया था और मैं अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन भी रिसीव कर चुका हूँ और मैं उन कुछ खुश नसीब कस्टमर्स में था जिसको फ्री डिज़ाइन सर्विसेज ऑफर की गई थी। अस्सलाम वालेकुम। 2017 के अंदर मैंने अपने कोलीग के कहने के ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की और मुझे जो प्लॉट एलोकेट हुआ वो जनरल ब्लॉक के अंदर एलोकेट हुआ। लास्ट ईयर जो है वो बैलेटिंग के अंदर मुझे प्लॉट नंबर भी इशू हो गया था और अभी कुछ दिन पहले ही मुझे कॉल रिसीव हुई है फ्रॉम द ब्लू वर्ल्ड सेल्स टीम फॉर द पोजीशन। आई एम ग्लैड, तो फाइनली आई एम गेटिंग द पोजीशन एंड आई हैव बीन टोल्ड के आई एम फ्यू ऑफ द लकी कस्टमर्स जिनको जो है डेवलपमेंट चार्जेस भी वेव्ड ऑफ हैं और मैप डिज़ाइन चार्जेस भी वेव्ड ऑफ हैं। आज मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी डिज़ाइन ऑफिस में हूँ अपना अप्रूव डिज़ाइन रिसीव करने के लिए। ब्लू वर्ल्ड सिटी डिज़ाइन टीम ने मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट और अपने बायलॉज को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत ही बैलेंस्ड और मॉडर्न डिज़ाइन प्रोड्यूस किया है और जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की डिज़ाइन टीम है फाइंड दम वेरी प्रोफेशनल क्योंकि वो थ्रू आउट द प्रोसेस मेरे साथ इन कंसल्टेशन रही। जो भी डिज़ाइन में छोटी मोटी ट्वीक्स थी उसको भी वो कैटर करते रहे और मैनेज करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह जो फाइनलाइज्ड डिज़ाइन है आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद दैट और आई फाइंड दम वेरी प्रोफेशनल कि उन्होंने इस चीज़ को बड़ा टाइमली कैटर किया और प्रोड्यूस किया। अब इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट स्टेज हम इस फाइनलाइज डिज़ाइन को लेकर जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर मैं अपने प्लॉट की पोजीशन लूँगा और वहाँ पर अपना घर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूँगा। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ब्लू वर्ल्ड सिटी होल मैनेजमेंट डिज़ाइन टीम सेल्स एंड मार्केटिंग टीम जिन्होंने जो इस पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस मुझे गाइड करते रहे। मेरे जो भी छोटी मोटी रिजर्वेशंस थी या क्यूरीज थी या गाइडेंस थी जो मुझे रिक्वायर्ड थी वो मुझे प्रोवाइड करते रहे और मेरे लिए इस पूरे एक्सपीरियंस को बड़ा सीमलेस बनाया। एंड और मेरे लिए तो ये जितना भी जर्नी है ऑफ द लास्ट 4-5 ईयर्स ये एक बहुत ही सीमलेस और प्लेजेंट रहा है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच ब्लू वर्ल्ड सिटी एंड द होल टीम।